सारी मीडिया के सामने चार दिन से चलाते हुए इतने मजमे के सामने जो ये मजमा यहाँ मौजूद है, वहां का इलेक्शन कबूल नहीं है, ये साजिश का नतीजा है। लेकिन याद रखना, बेट के निशान खान साहब की निशानी है, इंशाल्लाह हम रिव्यू फाइल करेंगे, बेट का निशान वापस लेंगे। मैं एक दरख्वास्त करूंगा, हमने अदलिया पे हमेशा इत्माद किया, अदलिया से हमारे शिकायत और शिकवे बहुत ज्यादा है, हमें अदारों से भी शिकायत है, हमारे बंदों को रोका गया, हमें इस प्रोसेस से आउट किया गया, प्रपोजल सेकेंडर के रास्ते रोके गए, एक वकील जो हमारे पार्टी का नॉमिनेशन फॉर्म लेके जाता है उसको अरेस्ट किया जाता है, वही वकील किसी और पार्टी का लेके जाता है उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है, उसको वेलकम किया जाता है, हमारे कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर टेक्निकल बुनियादों पर रिजेक्ट कराए गए, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। मेरी दरखास्त है, आप सीज फायर होनी चाहिए, ये झगड़ा खत्म होना चाहिए, आप लोगों ने तहम्मुल का बर्दाश्त का मुजाहरा किया, 8 तारीख को भी मुजाहरा करो बर्दाश्त का, लेकिन हमें सबसे दरखास्त है कि 8 तारीख को बजाय मेहरबानी आवाम की आवाज का रास्ता न रोकना, जिसने आवाम का रास्ता रोका है, जिसने उनके लिए अपने शतरंज की तरह हुकूमतें बनवाई है, तो मुल्क तबाही की तरफ जाता है। ये मुल्क की इकानमी, इस मुल्क की नाजिक जमहूरियत एक और तजदीद की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, बराए मेहरबानी अवाम को बोलने दे, अवाम जिसके हक में बोले वो फैसला हमें कबूल है, अवाम पार्लियामान बनाएगी, अवाम हकूमत बनाएगी, अवाम हकूमत करेगी, अवाम जिसको चाहे मुंतखब करे वही पार्लियामान होगा, हकूमत और पार्लियामान हमारी किसी के इशारे से नहीं जाएगी और किसी इदारे की मुदाखलत से इंशाअल्लाह ताला नहीं बनेगी।